ब्रेन ट्यूमर यानी एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स इन ब्रेन। एक्चुअली बॉडी के अंदर सेल्स का बनना और बिगड़ने का जो क्रम है वो निरंतर चलता रहता है और ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सेल्स एबनॉर्मली ग्रो करने लगती हैं और एक सॉलिड मास फॉर्म करती हैं जिसे ट्यूमर कहते हैं या गांठ कहते हैं। अगर ये ट्यूमर ब्रेन में मौजूद है तो इसे ब्रेन ट्यूमर कहते हैं। तो आज हमारे साथ एक पेशेंट हैं जिनका नाम है मिसेस फाल्गुनी व्यास और ये 40 इयर्स के हैं। और फाल्गुनी व्यास जी का अभी कुछ ही दिन पहले ब्रेन ट्यूमर डायग्नोज हुआ है। ब्रेन ट्यूमर कैंसरस और नॉन कैंसरस दोनों ही हो सकता है और इनका जो ट्यूमर है वो नॉन कैंसरस है। और 23 जुलाई को इनकी ब्रेन सर्जरी हुई है, उसके बाद डॉक्टर ने इनको फिजियोथेरेपी सजेस्ट किया है। तो जब ये हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके आए हैं तब से हमने इनकी फिजियोथेरेपी स्टार्ट की है। 30 जुलाई से मैंने इनकी फिजियोथेरेपी स्टार्ट की है। और जब मैं पहली बार इनको मिलने आई थी तब उस समय इनके लेफ्ट साइड में थोड़ी वीकनेस थी, मसल पार कम थी और धीरे धीरे एक्सरसाइजेस से और बहुत अच्छी और बहुत फास्ट रिकवरी इन्होंने शो की है और इनकी मसल पार वापस से रीगेन हो गई है। लेकिन अभी इनके साथ जो प्रॉब्लम है वो है इनकी बैलेंसिंग और कोऑर्डिनेशन की। तो आज इस वीडियो में मैं इनको मसल स्ट्रेंथनिंग के साथ साथ बैलेंसिंग और कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइजेस सिखाने जा रही हूँ। तो आइए देखते हैं कि बैलेंसिंग और कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइजेस किस तरीके से की जा सकती है। फाल्गुनी जी पहले डांस टीचर थे और इनको म्यूजिक बहुत पसंद है। तो मैंने कोशिश किया है कि मैं इनको जो एक्सरसाइजेस कराऊं वो म्यूजिक के साथ इनकॉर्पोरेटेड हो, तो जिससे कि इनको एक्सरसाइजेस करने में मजा आए और ये ट्रीटमेंट को एंजॉय करें और ये उसके वजह से एक्सर्शन इनको ना हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फाल्गुनी जी, अब आपको ये जो बॉल आपके हाथ में दी है स्माइली, इसको आपको टाइट एकदम जोर से स्क्वीज करना है और खोलना है, ठीक है? 10 times काउंट करूंगी, 10 times करना है। चलिए स्टार्ट कीजिए। 1 वेरी गुड, 2 3 4 वेरी गुड, 5 6 7 8 9 10 नाइस। स्वीप रखो ऐसे ऐसे और रोटेट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 उल्टा घुमाइए, 1 2 क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों। हर एक्सरसाइज को 10 10 times कीजिए। गुड, हर एक्सरसाइज को 10 10 रिपीटेशन दे रहे हैं। दिन में 3 बार आपको ये एक्सरसाइज रिपीट करनी है। करिए करिए करिए, बहुत बढ़िया। नाउ रिलैक्स। हमने ये इनको डंबल पकड़ा दिया है, इन्होंने हाथ को जो चेयर है उसके सपोर्ट पर रख रखा है और अब इनको धीरे धीरे डंबल को ऐसे उठाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अब इसी तरीके से हाथ को घुमा देंगे ऐसे। उल्टा घुमाइए, चुप तो नहीं रही है चुड़िया। चलिए स्टार्ट कीजिए, करिए 1 2 3 वेरी गुड, 4 5 6 7 8 9 10 नाउ रिलैक्स। हम एंकल पंपिंग कर रहे हैं, पंजों को अपनी ओर खींच के रखेंगे, 10 seconds होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। तो एंकल को अपनी ओर खींचिए, होल्ड कीजिए 10 seconds। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नाउ सेकेंड वन इज एंकल रोटेशन, पंजों को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। फाल्गुनी जी घुमाइए क्लॉकवाइज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 उल्टा घुमाइए, 1 2 3 4 अपने यहाँ पर हो, 5 6 7 8 9 10 एक पैर को मोड़े और फिर फाल्गुनी जी आपको टच करना, 1 करिए वेरी गुड, 2 3 4 5 6 वेरी गुड, 7
सेम एक्सरसाइज को रिपीट करते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए हम पेशेंट को कहेंगे कि वो करवट लिया है, हाँ इस तरीके से एक साइड लाइन पोजिशन में लेते हैं, नीचे का पैर मोड़ देंगे, ऊपर का पैर एकदम सीधा रखेंगे, इस तरीके से घुटना मोड़ना नहीं है, एकदम सीधा रखना है और धीरे धीरे पैर को उठाना है। ऐसे एक उठाइए, दो, वेरी गुड, तीन, पूरी करवट लीजिए, हाथ को सपोर्ट कीजिए, हाँ, चार, कोशिश कीजिए घुटना सीधा रहे, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, धीरे धीरे सेम एक्सरसाइज हम अपोजिट साइड भी रिपीट करेंगे 10 times। अगेन जो नीचे वाला पैर है वो आपको मोड़ना है जिससे कि बेस ऑफ सपोर्ट इंक्रीज हो, और ऊपर वाले पैर को स्ट्रेट रखकर एक्सरसाइज को रिपीट करना। दोनों हाथ रखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आपको रिवर्स काउंटिंग करो, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 2, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड। आपको एकदम सीधा उठाना है, सीधा उठाइए और पंजे अपने ओर कीजिए, होल्ड कीजिए यहाँ पर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। नाउ रिलैक्स, उठाओ, होल्ड, खींचो अपनी ओर, 10 seconds होल्ड, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स, वापस बोलो, 1, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 2, 3, 1, 5, 4, 3, 2, 1। नाउ रिलैक्स, सबसे पहले पैरों में मूवमेंट करेंगे, 1, 2, वेरी गुड, 3, वेरी गुड, सिंक्रोनाइज, 6, 7, 8, 9, 10, पीछे जाइए, वेरी गुड, वेरी गुड, लाइन पास, धीरे धीरे हाथों के साथ, 1, 2, दोनों हाथ, 4, 5, वेरी गुड, 6, 7, 8, 9, 10, और हाथ को खोलिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, पूरा खोलिए, 8, 9, कोई बात नहीं, 10, इसी को रिपीट करिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। थोड़ा सा पीछे जाइए, थोड़ा रिलैक्स हो जाइए और अपनी जगह पे मार्च कीजिए, वेरी गुड, ऐसे हम फिर से स्टार्ट करेंगे, दोबारा से वापस पैरों का मूवमेंट, 1, पैरों का मूवमेंट, गुड, पीछे रहिएगा, आगे मटाइएगा, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, नाउ अप, 1, 2, 3, वेरी गुड, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। नाउ रिलैक्स, स्टार्ट मार्चिंग एट योर प्लेस, अपनी जगह पर, थोड़ा सा पीछे रहिए, वेरी गुड, दोनों हाथ ऐसे रखिए, स्टार्ट करेंगे, 1, 2, 3, थोड़ा पीछे, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब काउंटिंग अगली बार आपको बोलेंगे, चलिए स्टार्ट करिए, 1, 2, 3, पीछे, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। उल्टा बोलिए, रिवर्स काउंटिंग करिए, स्टार्टिंग, 9, 10, 9, 8, पीछे जाइए, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। बहुत बढ़िया, आपको फलमुनी दी और आपको चलना है इस लाइन पर जो आपको ये लाइन दिखाई दे रही है, और चलना कैसे है आपको इस तरीके से, ये देखिए एक पैर रखेंगे और इसके एकदम चिपका कर दूसरा पैर रखेंगे, जो सेकंड जो है ना ये इसकी जो हील है वो इसके ग्रेट टो को टच करनी चाहिए, ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे, और बिल्कुल आपको बैलेंस करते हो, आप चाहे तो हाथ को खोल सकते हैं, ठीक है, करिए, ना 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 टच कीजिए, वेरी गुड, करिए,
ऐसे, वेरी गुड। अभी मैं आपको इस वाले सर्कल में सपोर्ट दे रही हूँ, नेक्स्ट आपको विदाउट सपोर्ट करना है। अरे नहीं नहीं नहीं, पीछे पीछे टच। हाँ गुड गुड गुड, वेरी गुड वेरी गुड, शानदार, नाइस नाइस। करते रहो करते रहो, चलते रहो चलते रहो। वापस मुड़िए, अब की बार आपको मैं सपोर्ट नहीं देने वाली हूँ, अपने आप चलो। दूसरा पैर जब आप रखोगे तो वो पहले वाले पैर को टच करना चाहिए। करिए, हाँ रखिए, वेरी गुड। लाइन को छोड़ेंगे नहीं, लाइन को देखते हुए। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, अरे आगे नहीं बढ़ना है पालकू दीदी, अभी आप पीछे से वापस आइए। आपको एक पैर को टच करना है दूसरे पैर से, ऐसे आगे ऐसे नहीं रखना है पैर में। चलिए रखिए, और लाइन के ऊपर बिल्कुल धीरे धीरे बिना सपोर्ट के। बहुत अच्छा बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलिए चलिए चलिए, अरे वाह, नाइस नाइस नाइस, चलिए चलो, बहुत अच्छा। हाँ बहुत अच्छा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं। आप पीछे पीछे टच करते हुए, टच करते हुए, वाह शानदार, टच करते हुए। हाँ करो करो, बहुत अच्छा कर रहे हो, वेरी गुड। एंड में इसको टच करना जरूरी है, ठीक है। अब मैं आपके बीच में, इसी सर्कल के बीच में मैं अब आपको हर्डल्स रखूंगी, डंबल्स, इस तरीके के मैं आपको हर्डल्स रखूंगी। आपको इसके ऊपर से, है ना, इसके ऊपर से आपको क्रॉस, इसको ऊपर से वो करना है, ओवरहेड चलना है। चलो करो, चलो लाइन के ऊपर, लाइन के ऊपर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ऊपर से ले लीजिए पैर, हाँ क्या बात है, बहुत बढ़िया, करो करो करो, हाँ करो ऊपर से, गुड। चलो 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 ऊपर से, हाँ गुड। पीछे हो जाइए एक बार और, पीछे से पीछे से, करिए स्टार्ट कीजिए, हाँ ऊपर से, हाँ वेरी गुड। चलो चलो चलो, बिना सपोर्ट के चलो, हाँ बिना सपोर्ट के कर सकते हो आप, बहुत अच्छा कर रहे हो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ऊपर से हाँ, टच करते हुए टच करते हुए टच करते हुए टच करते हुए, लाइन बार, और बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ऊपर से वेरी गुड, लगा के पैर लगा के, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। वापस, हाँ लाइन पर चलिए, ऊपर ऊपर से लेना, वेरी गुड। लाइन पर, ऊपर से लाइन पर, हाँ धीरे धीरे, बैलेंस बैलेंस, वेरी गुड वेरी गुड। इस तरीके से मैंने आपको कुछ एक्सरसाइजेस बताई जिसमें मसल स्ट्रेंथनिंग, बैलेंसिंग, कोऑर्डिनेशन, ये सब इसमें इंक्लूडेड है। तो ये जो मैंने एक्सरसाइजेस आपको बताई हैं, ये सभी एक्सरसाइजेस 10-10 टाइम्स आपको रिपीट करनी है, सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम्स इनको एक्सरसाइजेस को। ऑलवेज कंसल्ट योर फिजियोथेरेपिस्ट और योर डॉक्टर बिफोर स्टार्टिंग एनी एक्सरसाइज, क्योंकि एक्सरसाइजेस पेशेंट टू पेशेंट डिफर करता है। आई होप ये एक्सरसाइजेस आपकी समझ में आई होंगी। एक्सरसाइजेस कीजिए, रेगुलर एक्सरसाइजेस कीजिए, और फिट रहिए, हेल्दी रहिए। इसी के साथ धन्यवाद।